तो भाई लोगों, बहुत सारी थ्योरीज और एडिट की बाढ़ आने के बाद फाइनली आ चुका है जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 261 का स्पॉइलर। और इसमें भाई सबको गेगे ने शॉक कर दिया है भाई, क्या ही बवाल हुआ इसके अंदर। गोजो तो वापस आ चुका है लेकिन स्टिचेस के साथ, तो क्या वो कंजाकू है, वो तो तुम ये वीडियो देख के ही जान सकते हो। पहली स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ भाई साहब, और अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे, बात करते हैं चैप्टर 261 के स्पॉइलर्स की। चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे यूजी सुकुना से कह रहा होता है कि वो उसका दिल कुचल देगा, और सुकुना तभी नोटिस करता है गोजो को और वो गोजो के बारे में ही बात करना शुरू करता है। और सुकुना खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि भाई गोजो उसके सामने खड़ा है, और हमें भी बाद में गोजो पूरा का पूरा खड़ा वहां पे दिखाया जाता है, जो कि देख के भाई मैं भी शॉक हो गया था। और तभी सुकुना यूजी को एक पंच मार के दूर कर देता है, और यहाँ पे सुकुना कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ तुमको इतना अंडर एस्टिमेट करने के लिए। साथ ही वो यहाँ पे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना दूर आ जाओगे युता। हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना, अभी गोजो की बॉडी में जो बंदा है वो है युता। बस इसी चीज को रिवील करने के लिए एक फ्लैशबैक आता है, और हमें फ्लैशबैक के थ्रू पूरी ये स्टोरी समझाई जाती है। तो ये पहले से ही सभी सोर्सरर्स का प्लान था कि भाई वो केंजाकू की जो पावर्स है उसका यूज कर सके, उसके लिए वो केंजाकू को रीका को खिला देंगे, जिससे कि रीका उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर पाएगी। और तुम्हें पता ही उसकी कर्स टेक्निक क्या है, भेजा बदल। और इससे होगा क्या कि भाई वो लोग मिलके युता का जो दिमाग है वो गोजो की बॉडी में फिट कर देंगे, जिससे कि फिर वो कंट्रोल ले पाएगा गोजो की बॉडी पे। अब यहाँ पे भाई माँ की बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस चीज से, लेकिन हकारी बहुत ज्यादा खुश था। और हकारी यहाँ पे ये भी कहता है कि जब तक सब लोग लड़ रहे हैं तब तक इस टेक्निक का यूज हम नहीं करेंगे, या इस चीज को हम नहीं करेंगे, लेकिन जब सभी सॉर्सरर्स हारने लगेंगे या मर चुके होंगे ज्यादातर सॉर्सरर्स, तब हम यहाँ पे इस चीज का यूज करेंगे और युता गोजो की बॉडी पे कब्जा करेगा, इस चीज को हम एज अ लास्ट ऑप्शन यहाँ पे यूज करेंगे। तो कुसाका भी यहाँ पे शोको से पूछता है कि क्या भाई अब युता भी लिमिटलेस टेक्निक को यूज कर सकता है। शोको यहाँ पे कहती है कि लिमिटलेस को यूज करना बिना सिक्स आइज के पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे कुसाका भी रिप्लाई करता है कि हमें सिर्फ सिक्स आइज को कॉपी करना है, जिसके बाद युता ये टेक्निक को यूज कर पाएगा। जहाँ पे शोको कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिक्स आइज कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है, वो एक उसकी बॉडी का पार्ट है पहले से ही, और यही एक वजह है जिसकी वजह से इस टेक्निक को कॉपी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे माकी तभी ये क्वेश्चन करती है युता से कि जो युता है वो सिर्फ कोई भी कर्स टेक्निक को 5 मिनट के लिए यूज कर सकता है, अगर 5 मिनट खत्म हो जाएंगे उसके बाद युता के साथ क्या होगा। इस बार युता लिटरली रिप्लाई करता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि क्या होगा। इस टेक्निक के युता के पास फायदे और नुकसान क्या है वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे भाई, तुम खुद पढ़ लो। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ ही। यहाँ पे युता रिप्लाई करता है कि वो पहले खुद जाके सुकुना से यहाँ पे लड़ेगा, और अगर वो उसे नहीं जीत पाता है तो वो उसके बाद गोजो की बॉडी को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे उससे बोलता है कि पहले वो जाके खुद फाइट करेगा सुकुना से, ताकि अगर वो सुकुना से जीत जाता है तो वो इस चीज को नहीं दोहराएगा, लेकिन अगर वो सुकुना से फाइट में हार जाता है उसके बाद वो गोजो की बॉडी पे टेक ओवर कर लेगा, ताकि वो सुकुना को हरा सके। जहाँ पे फिर से कुसाका भी युता से कहता है कि ऐसा करना कोई इंसानियत का काम नहीं है। यहाँ पे युता रिप्लाई करता है कुसाकाबे को कि भाई अभी तक हम ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे ह्यूमैनिटी के बीच में फंस गए तो हम कभी उसको हरा ही नहीं पाएंगे, और हो सकता है हम यहाँ पे हार जाए और ह्यूमैनिटी भी यहाँ पे खत्म हो जाए। यहाँ पे युता एक और चीज उनसे पूछता है कि क्या तुम सब लोग सुकुना से लड़ते वक्त राक्षस बनने से डरते हो। यहाँ पे माकी कहती है शट अप, हम सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, फ्लैशबैक में फ्लैशबैक, वाह क्या स्टोरी चल रही है। तो यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें गोजो का, जहाँ पे गोजो गाकुगान जी से कहता है अगर मैं सुकुना से हार गया तो तुम जुजुत्सु हेडक्वार्टर के ऊपर खड़े हो जाना जाके, इससे कि यहाँ पे शिबुया जैसा केओस नहीं मचेगा। और जब ये चीज गोजो गाकुगान जी से कह रहा था तभी वहाँ पे युता और बाकी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे गोजो उन सबसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वो सब गोजो को वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं, जिस पे युता गोजो से कहता है कि तुम खुद को डीमन ना बनाओ। उस पे गोजो युता को रिप्लाई करता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता और इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, मुझे उसको हराने के लिए जो करना पड़े मुझे करना पड़ेगा। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें यूजी का एक दोस्त दिखाया जाता है जो कि अपनी कर्स टेक्निक को समझा रहा था, और इसकी कर्स टेक्निक भाई शुगर से रिलेटेड है, अरे मतलब चीनी नहीं बनाता भाई ये। इसकी कर्स टेक्निक कुछ इस तरीके से है कि ये लोगों की बॉडी में और अपनी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। शो को इसे अपनी मेडिकल टीम में भी रख लेती है। वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि जब युता का ब्रेन निकाल की गोजो की बॉडी में डाला जाए तो जो शुगर के लेवल घट जाते हैं उनको वापस से रिवाइव किया जा सके। बाद नेक्स्ट पीरियड में हमें युता दिखाया जाता है जो कि रीका से कहता है थैंक यू, क्योंकि वो उसकी वजह से ही फुल पोटेंशियल को यहाँ पे यूज कर पा रहा है।
और यहाँ पे शोको युता को बोलती है कि उसने गोजो की बॉडी को सिल दिया है। हाँ, जहाँ से गोजो कटा था वहीं से उसको सिल दिया है। जैसे उसका ब्रेन गोजो की बॉडी में लगाया जाएगा, उसको अपनी RCT को हाई लेवल पे यूज करना होगा, यानी कि अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को हाई लेवल पे यूज करना होगा ताकि गोजो फटाफट से हील हो सके। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे युता और गोजो दोनों ही अपना डोमेन एक्सपेंशन यानी कि अपना डोमेन खोल रहे होते हैं। यहीं पे नरेटर कहता है कि गोजो ने ऑलरेडी सुकुना के ओपन बैरियर का तोड़ ढूंढ लिया था। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है एक सस्पेंस के साथ जहाँ पे सुकुना अपना डोमेन ओपन कर रहा है और गोजो का डोमेन गोजो ओपन कर रहा है, जैसा कि तुम पैनल में देख भी पा रहे हो। तो भाई काफी धमाकेदार था भाई 261। और भाई अब तो वेट भी नहीं हो रहा, लेकिन भाई नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा हमको। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस चैप्टर को देख के तुम्हें मजा आया कि नहीं आया? बाकी यार चाहे ऐसे हो चाहे वैसे, हमारा गोजो बैक आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।